हजारीबाग बिल्डर नाम की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लैंड लीज पर ली एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से 99 इयर्स के लिए। टोटल लीज प्रीमियम था अराउंड 32 करोड़ का और ये कंडीशन थी कि आपको 14 करोड़ जमा कराने हैं लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद और बाकी अमाउंट जब लीज एग्रीमेंट साइन हो जाएगा तब। कंपनी ने जीएसटी डिपार्टमेंट से क्लेरिफिकेशन मांगी कि क्या इस लीज प्रीमियम पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एज पर एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 वो ये कहती है कि अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से जिसमें 50% से ज्यादा का गवर्नमेंट का स्टेक है 30 ईयर से ज्यादा का लीज पे लैंड ली है तो इस केस में जीएसटी नहीं लगना चाहिए। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने पूछा कि किस पर्पस के लिए आप लैंड लीज पर लेने वाले हैं, तो कंपनी ने कहा कि हम ये रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही मिलती है। कंपनी ने अपना दिमाग लगाया और अपील फर्दर फाइल करी और ये कहा कि ये लीज प्रीमियम नहीं है, ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है। तो एपीलेट अथॉरिटी ने पूछा कि किस कंडीशन पर रिफंडेबल है, तो कंपनी कहती है अगर हमने कोई रूल तोड़ा तो अथॉरिटी हमें वापस कर देगी सारा अमाउंट कुछ चार्जेस को काट कर। तो अथॉरिटी कहती है फिर ये रिफंडेबल डिपॉजिट नहीं है। कंपनी ने फिर सोचा और एपीलेट अथॉरिटी को कहा कि हम एक और एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कवर होते हैं जो कि एप्लीकेबल है 1/4/2019 से और वो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट पर ही कवर होती है। तो अथॉरिटी ने लास्ट क्वेश्चन पूछा कि आपने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब साइन किया था, कंपनी ने कहा सितंबर 2018 को। तो उन्होंने कहा कि एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 आपको 60 डेज के अंदर अंदर जीएसटी की लायबिलिटी पे करनी चाहिए थी जो कि थी नवंबर 2018 और ये नोटिफिकेशन आई थी अप्रैल 2019 के लिए, तो ये नोटिफिकेशन भी आप पर एप्लीकेबल नहीं होती और आपको लीज प्रीमियम पे जीएसटी देना ही पड़ेगा।